दोस्तों, एक इंसान का दिमाग ही उसे ऊंचाइयां और कामयाबी दिला सकता है, अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो। आप अपने दिमाग के जरिए इस जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, पर आज की मॉडर्न दुनिया में यह करना मुश्किल हो गया है। हमारा ब्रेन ऐसा पावरफुल टूल है जिसकी ताकत हम सभी की समझ से बाहर है, और इसकी इसी ताकत को समझने के लिए दोस्तों आज हम रीड करने जा रहे हैं रॉबिन हैंसन एंड केविन सिमलर की बुक द एलिफेंट इन द ब्रेन बाय सिंपल ऑडियो बुक। तो चलिए शुरू करते हैं। द एलिफेंट इन द ब्रेन बाय रॉबिन हैंसन एंड केविन सिमलर। प्रस्तावना। रोगी भी अच्छी चिकित्सा देखभाल की उपस्थिति से आसानी से संतुष्ट हो जाते हैं और सतह के नीचे खुदाई करने में आश्चर्यजनक रूप से बहुत कम रुचि दिखाते हैं। उदाहरण के लिए, दूसरी राय प्राप्त करके या अपने डॉक्टरों या अस्पतालों से परिणाम के आंकड़े मांगकर, जिन लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा दी जाती है वे बहुत अधिक दवाओं का सेवन करते हैं बिना सब्सिडी वाले नियंत्रण समूह के सापेक्ष, फिर भी विशेष रूप से स्वस्थ नहीं होते हैं। लोग वीरतापूर्ण अंत जीवन देखभाल पर अत्यधिक खर्च करते हैं, भले ही सस्ते उपशामक देखभाल आमतौर पर जीवन को लंबा करने में उतना ही प्रभावी होती है और जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने में बेहतर होती है। महंगी चिकित्सा देखभाल हमें ठीक करती है, लेकिन साथ ही यह किस दबबू को एक विस्तृत वयस्क संस्करण है। इस लेनदेन में रोगी को सामाजिक समर्थन का आश्वासन दिया जाता है, जबकि जो लोग इस तरह का समर्थन प्राप्त करते हैं वे रोगी से वफादारी का एक छोटा टुकड़ा खरीदने की उम्मीद कर रहे हैं। यहाँ वह थीसिस है जिसे हम पुस्तक में खोज रहे हैं। हम मनुष्य एक ऐसी प्रजाति हैं जो न केवल छिपे हुए उद्देश्यों पर कार्य करने में सक्षम है, हम इसे करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। हमारे दिमाग को हमारे स्वार्थ में काम करने के लिए बनाया गया है, जबकि एक ही समय में दूसरे लोगों के सामने स्वार्थी ना दिखने की पूरी कोशिश की जा रही है, और उन्हें रास्ते से हटाने के लिए हमारा दिमाग अक्सर हमें हमारे चेतन मन को अंधेरे में रखता है। जितना कम हम अपने बदसूरत इरादों के बारे में जानते हैं उतना ही आसान है कि हम उन्हें दूसरों से छिपा सकें। आत्म धोखे इसलिए रणनीतिक हैं, एक चाल है कि हमारा दिमाग खराब व्यवहार करते समय अच्छा दिखने के लिए उपयोग करता है। शिक्षा केवल सीखने के बारे में नहीं है, यह मोटे तौर पर नियोक्ताओं के अनुमोदन के लिए वर्गीकृत रैंक और क्रेडेंशियल प्राप्त करने के बारे में है। धर्म केवल भगवान या उसके बाद के जीवन में निजी विश्वास के बारे में नहीं है, बल्कि विश्वास के विशिष्ट सार्वजनिक व्यवसायों के बारे में है जो समूहों को एक साथ जोड़ने में मदद करते हैं। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में हमारे छिपे हुए एजेंडे हमारे व्यवहार की आश्चर्यजनक मात्रा की व्याख्या करते हैं। अक्सर
बहुसंख्यक। जब थक्का मारने की बात आती है तो हम अक्सर ऐसे विकल्प चुनते हैं जो हमारे छिपे हुए एजेंडे को आधिकारिक लोगों पर प्राथमिकता देते हैं। हमारी थीसिस: पहली, लोग हर समय हमें जज कर रहे हैं। वे जानना चाहते हैं कि क्या हम अच्छे दोस्त, सहयोगी, प्रेमी या नेता बनाएंगे, और वे जिन महत्वपूर्ण चीजों का न्याय कर रहे हैं उनमें से एक हमारी मंशा है। हम जैसा व्यवहार करते हैं वैसा क्यों करते हैं? क्या हमारे दिल में दूसरों का हित है या हम पूरी तरह से स्वार्थी हैं? क्योंकि दूसरे हमें जज कर रहे हैं, हम अच्छा दिखने के लिए उत्सुक हैं, इसलिए हम अपने सुंदर उद्देश्यों पर जोर देते हैं और अपने कुरूप उद्देश्यों को कम करते हैं। यह बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा है, लेकिन ना ही यह पूरी तरह से ईमानदार है। दूसरी थीसिस: यह सिर्फ हमारे शब्दों पर ही नहीं बल्कि हमारे विचारों पर भी लागू होता है, जो अजीब लग सकता है। हम अपने प्रति ईमानदार क्यों नहीं हो सकते? इसका उत्तर यह है कि हमारे विचार उतने निजी नहीं हैं जितना हम कल्पना करते हैं। कई मायनों में सचेत विचार इस बात का पूर्व अभ्यास है कि हम दूसरों से क्या कहने के लिए तैयार हैं। जीवन के कुछ क्षेत्रों में, विशेष रूप से राजनीति जैसे ध्रुवीकृत क्षेत्रों में, जब दूसरों के इरादे उनके दावे से अधिक स्वार्थी होते हैं तो हम जल्दी से इंगित कर देते हैं, लेकिन अन्य क्षेत्रों में दवा की तरह हम यह मानना पसंद करते हैं कि लगभग हम सभी के पास सुंदर मकसद है। ऐसे मामलों में हम सभी एक साथ काफी गलत हो सकते हैं, जो हमारे व्यवहार को प्रेरित करता है। भाग एक: हम अपने उद्देश्यों को क्यों छुपाते हैं? पहला, पशु व्यवहार। व्यक्तिगत प्राइमेट खुद को तैयार कर सकते हैं और करते भी हैं, लेकिन वे प्रभावी रूप से अपने आधे शरीर को ही प्रभावी ढंग से तैयार कर सकते हैं। अपनी पीठ, चेहरे और सिर को आसानी से संवार नहीं सकते, इसलिए अपने पूरे शरीर को साफ रखने के लिए उन्हें अपने दोस्तों की थोड़ी मदद की जरूरत होती है। इसे कहते हैं सोशल ग्रूमिंग। वह कहते हैं कि सामाजिक संवारना केवल स्वच्छता के बारे में नहीं है, यह राजनीति के बारे में भी है। एक दूसरे को संवारने से प्राइमेट गठजोड़ बनाने में मदद करते हैं, जो अन्य स्थितियों में उनकी मदद करते हैं। संवारने का राजनीतिक कार्य यह भी बताता है कि प्रजातियों में संवारने का समय सामाजिक समूह के आकार के साथ क्यों जुड़ा हुआ है। लेकिन फर की मात्रा से नहीं। बड़े समूहों में औसतन अधिक राजनीतिक जटिलता होती है, जो गठजोड़ को अधिक महत्वपूर्ण बनाते हैं, लेकिन बनाए रखना भी कठिन होता है। परोपकारी बड़बड़ाने वाला अपने सहपाठियों के बीच एक प्रकार का क्रेडिट विकसित करते हैं, जिसे जहावी प्रतिष्ठा
की स्थिति कहते हैं। इससे उन्हें कम से कम दो अलग अलग भत्ते मिलते हैं, जिनमें से एक संभोग के अवसर हैं। अधिक प्रतिष्ठा वाले पुरुष समूह की महिलाओं के साथ अधिक बार मिलते हैं। एक प्रतिष्ठित अल्फा, उदाहरण के लिए, अपने लिए सभी संभोग के अवसर से ले सकते हैं। उच्च प्रतिष्ठा का अन्य लाभ समूह से बाहर किए जाने का कम जोखिम है। उदाहरण के लिए, यदि बीटा मैन ने समूह के लिए उपयोगी बनकर बहुत प्रतिष्ठा अर्जित की है, तो अल्फा मैन द्वारा उसे बेदखल करने की संभावना कम है। ज्ञान दमन तभी उपयोगी होता है जब दो शर्तें पूरी होती हैं। पहली, जब दूसरों को आपके दिमाग में आंशिक दृश्यता हो, और दूसरी, जब वे आपके बारे में राय बना रहे हों और वे आपके मन में जो देखते हैं उसके आधार पर पुरस्कार या दंड दे रहे हों। दूसरा, प्रतियोगिता। पुरातात्विक रिकॉर्ड उन वस्तुओं के बीच प्रति पक्षपाती हैं जो सहन कर सकते हैं, जिसका अर्थ है कि हमें अपने पूर्वजों के कंकाल पत्थर से लेकर तक की एक बहुत अच्छी तस्वीर मिलती है, लेकिन हमारे पास उनके मस्तिष्क के टिश्यू वोकलाइजेशन या बॉडी लैंग्वेज को ठीक करने का लगभग कोई तरीका नहीं है। पारिस्थितिक चुनौतियों जैसे शिकारियों को दूर भगाना, बड़े खेल का शिकार करना, आग को पालतू बनाना, नए खाद्य स्रोतों की खोज करना और नई जलवायु के लिए तेजी से अपनाना, ये गतिविधियां मनुष्यों को उनके पर्यावरण के खिलाफ खड़ा करती हैं और इसलिए सहयोग के अवसर हैं। सामाजिक चुनौतियां जैसे साथियों के लिए प्रतिस्पर्धा, सामाजिक स्थिति के लिए मजाक करना, गठबंधन की राजनीति, गठबंधन, विश्वासघात आदि, अंतर समूह हिंसा, धोखाधड़ी, ये गतिविधियां मनुष्य को अन्य मनुष्यों के खिलाफ खड़ा करती हैं और इसलिए प्रतिस्पर्धा और संभावित रूप से विनाशकारी हैं। अक्सर एक प्रजाति का सबसे महत्वपूर्ण प्रतियोगी स्वयं ही होता है। इसे साहित्य में सामाजिक मस्तिष्क परिकल्पना या कभी कभी मैकियावेलियन बुद्धि परिकल्पना के रूप में जाना जाता है। यह विचार है कि हमारे पूर्वज मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्यों में एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए स्मार्ट हो गए थे। विकास के दृष्टिकोण से संभोग अस्तित्व नहीं खेल का नाम है। उदाहरण के लिए, विश्वास करने के अच्छे कारण हैं कि दृश्य कला, संगीत, कहानी कहने की आपकी कुशलता और हास्य के लिए हमारी क्षमता बड़े हिस्से में विस्तृत संभोग प्रदर्शन के रूप में
कार्य करती है, मोर की पूंछ के विपरीत नहीं। मनुष्यों के बीच सामाजिक स्थिति वास्तव में दो स्वादों में आती है, प्रभुत्व और प्रतिष्ठा। प्रभुत्व एक प्रकार की स्थिति है जिसे हम दूसरों को डराने में सक्षम होने से प्राप्त करते हैं। जोसेफ स्टालिन के बारे में सोचें और निम्न स्थिति, पक्ष पर भय और अन्य परिहार वृत्ति द्वारा नियंत्रित किया जाता है। प्रेस्टीज हालांकि एक प्रभावशाली मानव नमूना होने से हमें प्राप्त होने वाली स्थिति है, और यह प्रशंसा और अन्य दृष्टिकोण प्रवृत्तियों द्वारा शासित हैं, और हर कोई अपनी कीमत बढ़ाने की दृष्टि से एक दोस्त या सहयोगी के रूप में खुद को और अधिक आकर्षक बनाने का प्रयास करता है। नए कौशल सीखकर, अधिक और बेहतर उपकरण प्राप्त करके और अपने आकर्षण को चमकाकर। अब प्रतिष्ठा के लिए हमारी प्रतियोगिताएं अक्सर कला, विज्ञान और तकनीकी नवाचार जैसे सकारात्मक दुष्प्रभाव उत्पन्न करती हैं, लेकिन प्रतिष्ठा की चाह हमें अपने आप में एक शून्य राशि का खेल है, जो यह समझाने में मदद करता है कि हम कभी कभी एक करीबी दोस्त की सफलता पर भी ईर्ष्या का दर्द क्यों महसूस करते हैं। मैकियावेली मानव राजनीति के निर्मम नैतिक पक्ष पर जोर देते हैं, जबकि कौस्टिग्लिओन नरम अधिक मानवीय तरीकों पर करी का पक्ष लेने पर जोर देते हैं। वे जिन दो रणनीतियों की रूपरेखा तैयार करते हैं, वे दोनों ही राजनीति में सफल होने के लिए उपयोगी हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हालांकि कैस्टिग्लिओन के तरीके कम खुले तौर पर प्रतिस्पर्धी हैं, फिर भी वे समान प्रोत्साहन से उपजे हैं। प्रत्येक दरबारी राजा का प्रिय नहीं हो सकता। एक आदमी का भाग्य उसके प्रतिद्वंदी का झटका है, तो यह अंततः एक ही ड्राइव है। जीवन की विभिन्न प्रतियोगिताओं में जीतना चाहते हैं जो योजनाबद्ध, समाजोपत और आकर्षक दरबारी दोनों को प्रेरित करती है। अन्य महत्वपूर्ण समानता यह है कि प्रत्येक खेल में दो पूरक कौशल सेटों की आवश्यकता होती है। संभावित भागीदारों का मूल्यांकन करने की क्षमता और अच्छे भागीदारों को आकर्षित करने की क्षमता। सेक्स में हम जिन भागीदारों की तलाश कर रहे हैं वे साथी हैं। सामाजिक स्थिति में हम मित्रों और सहयोगियों की तलाश कर रहे हैं, और राजनीति में हम सहयोगियों की तलाश कर रहे हैं। लोगों के साथ टीम बनाने के लिए एक संकेत विकासवादी जीव विज्ञान में कुछ भी संचार या जानकारी देने के लिए उपयोग किया जाता है। बेदाग त्वचा या फर उदाहरण के लिए
एक स्वस्थ जीव का संकेत है पुरस्कार विजेता। बीगल की तुलना मैंगी म्यूट से करें। गुर्राना आक्रामकता का संकेत है और गुर्राहट की गहराई प्राणी के आकार का संकेत है। इसलिए सबसे अच्छे संकेत सबसे ईमानदार वाले महंगे होते हैं। अधिक सटीक रूप से वे अलग अलग महंगे हैं। उत्पादन के लिए महंगा लेकिन नकली के लिए और भी महंगा। एक गैर जैविक उदाहरण के लिए नीली जीन्स और ड्रेस पैंट के बीच के अंतर पर विचार करें। जीन्स टिकाऊ होती है और उन्हें हर दिन धोने की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि ड्रेस पैंट रख रखाव के मामले में थोड़ी अधिक मांग करते हैं। यही कारण है कि उन्हें अधिक औपचारिक पोशाक माना जाता है, जो कंपनी के लिए आपके मूल्य का अधिक ईमानदार संकेत है। महान काम या वेतन वृद्धि हो रही है। तीसरा मानदंड। समाज शास्त्रियों और मानव विज्ञानियों के लिए क्यूइंग जैसा परंपराओं को मानदंड के रूप में जाना जाता है। वे नियम या मानक हैं कि किसी समुदाय के सदस्यों को कैसे व्यवहार करना चाहिए। कठिनाई के कभी कभी समय के बावजूद ग्रामीण बहुत सारे खाली समय का आनंद लेते हैं। किसानों की तुलना में अधिक वास्तव में जो वे बात करने मजाक करने खेलने गाने नृत्य करने कला बनाने और अन्यथा वापस में सामाजिकरण करने में खर्च करते हैं। खाना बदोश जीवन शैली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता चिंपैंजी जीवन शैली और हमारे जीवन के आधुनिक तरीके दोनों से इसे अलग करना इसका उग्र समतावाद है। एक बैंड के भीतर मुख्य राजनीतिक अभिनेता जिसमें हमेशा वयस्क पुरुष और कभी कभी वयस्क महिलाएं भी शामिल होती हैं, संस्कृति के आधार पर एक दूसरे से सहकर्मी और समान के रूप में संबंध रखते हैं। सामूहिक परिवर्तन तो मानदंडों का सार है। यह वही है जो समतावादी राजनीतिक व्यवस्था को वनवासी जीवन शैली की विशेषता बनाता है। यदि आप एक खतरनाक शासन है के खिलाफ बोलने से डरेंगे क्योंकि आप बदले की कार्रवाई को लेकर चिंतित हैं, यह कोई मानक नहीं है। लेकिन अगर आप चिंतित हैं कि आपके पड़ोसी आपको अस्वीकार कर सकते हैं और यहाँ तक कि आपको दंडित करने के लिए समवन्य भी कर सकते हैं, तो सबसे अधिक संभावना है कि आप एक मानक के साथ काम कर रहे हैं। यह तृतीय पक्ष सामूहिक परिवर्तन है जो मनुष्य के लिए अद्वितीय है। मनुष्यों के पास अच्छे आदर्श निम्नलिखित व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए कम से कम दो अन्य तरकीबें हैं, गपशप और प्रतिष्ठा। मेटानॉर्म इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे समूहों को धोखेबाजों को दंडित करने के लिए
अच्छे नागरिकों के लिए एक प्रोत्साहन बनाने की आवश्यकता है। क्या वह प्रोत्साहन छड़ी के माध्यम से आता है या गाजर? वास्तव में यह मायने नहीं रखता। एक्सेल रोड ने इस छड़ी के संदर्भ में तैयार किया जिसमें एक धोखेबाज के सामने खड़ा नहीं होना अपने आप में एक दंडनीय कार्य है, लेकिन एक समूह उन लोगों को सकारात्मक रूप से पुरस्कृत कर सकता है जो धोखेबाजों को दंडित करने में मदद करते हैं। लेकिन ज्यादातर संदर्भों में जब लोग खुद से बहुत अधिक भर जाते हैं तो हम भड़कने लगते हैं। यह प्रभुत्व के लिए उस वनवासी घृणा का हिस्सा है, क्योंकि शेखी भगारना एक समुदाय के बारे में एक समुदाय के भीतर प्रभाव और प्रभुत्व बढ़ाने का एक तरीका है। चौथा, धोखा। सामान्य ज्ञान किसी व्यक्ति को निजी तौर पर बताने और बड़े सार्वजनिक घोषणा करने के बीच का अंतर है। एक समलैंगिक के बीच जो अभी भी कोठरी में है, हालांकि सब लोगों को समलैंगिक होने का संदेह है, और एक जो अपनी कामुकता के बारे में पूरी तरह से खुला है, एक अजीब क्षण के बीच जिसे हर कोई ढोंग करने की कोशिश करता है, ऐसा नहीं हुआ, और एक जिसे हर कोई स्वीकार करता है और उम्मीद के बारे में हंस सकता है। किसी बात को गुम रखने के लिए दो आयाम है, यह कितनी व्यापक रूप से जानी जाती है और कितनी खुले तौर पर या सामान्य रूप से जानी जाती है, और एक रहस्य को खुली तौर पर जाने जाने के लिए बिना व्यापक रूप से जाना जा सकता है। उदाहरण के लिए गुप्त समलैंगिक की कामुकता, या तथ्य यह है सम्राट नग्न है। एक पुलिस अधिकारी जो विशिष्ट सार्वजनिक शराब पीने के लिए आंखें मूंद लेता है, वह सार्वजनिक रूप से शराब पीने की अपेक्षा करने वाले अधिकारी की तुलना में इसमें शामिल सभी लोगों से बहुत अधिक आलोचना के लिए खुला है। इस आलोचना से बचने के लिए पर्याप्त कवर प्रदान करता है। यदि नियमों से प्रतिस्पर्धा को उत्साहित करने की अपेक्षा की जाती है, तो हमें अब भी बड़े दिमाग की आवश्यकता क्यों है? एक प्रशंसनीय उत्तर यह है कि हमारे मानदंड केवल आंशिक रूप से लागू होते हैं, इसलिए हमें यह पता लगाने के अपनी खुद की प्रतिस्पर्धा हथियारों की दौड़ में बंधन है। बिल्ली और चूहे का खेल एक दूसरे को मानसिक क्षमता में हमेशा ऊपर की ओर धकेलते हैं। पांचवा, आत्म धोखे। प्रतिस्पर्धा तैराकों के एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग आत्म धोखे के अधिक प्रवृत्त थे, उन्होंने एक महत्वपूर्ण योग्यता दौड़ के दौरान बेहतर प्रदर्शन किया। लेकिन अगर आप वास्तव में जीतना चाहते हैं, तो यहाँ शेलिंग की सलाह है। जब आप अपने प्रतिद्वंद्वी का सामना करने के लिए पंक्तिबद्ध हो, तो अपने इंजन को गति दें, स्टीयरिंग व्हील को अपनी कार से हटा दें और इसे अपने प्रतिद्वंद्वी पर लहराएं। इस तरह
उसे पता चल जाएगा कि आप बंद हैं। मिश्रित उद्देश्य वाले खेलों के विकृत प्रोत्साहन, विकल्प सीमति और अन्य कार्यों को जन्म देते हैं जो तर्कहीन लगते हैं लेकिन वास्तव में रणनीतिक हैं। संचार के एक चैनल को बंद करना या नीचा दिखाना, उदाहरण के लिए आप जानबूझकर अपना फोन बंद कर सकते हैं यदि आप उम्मीद कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति मदद मांगने के लिए कॉल करेगा, या हो सकता है कि व्यक्ति के बजाय आपके ईमेल पर आपकी कठिन बातचीत हो। जानकारी को अनदेखा करना, जिसे सामरिक अज्ञानता भी कहा जाता है, यदि आपका अपहरण कर लिया गया है, उदाहरण के लिए आप अपने अपहरणकर्ता का चेहरा नहीं देखना या उसका नाम जानना नहीं पसंद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वह जानता है कि आप उसे बाद में पुलिस को बता सकते हैं, तो वह आपको जाने देने की संभावना कम होगी। कुछ मामलों में ज्ञान एक गंभीर दायित्व हो सकता है। जानबूझकर किसी ऐसी बात पर विश्वास करना जो असत्य है। यदि आप एक ऐसे जनरल हैं जो दृढ़ता से मानता है कि आपकी सेना जीत सकती है, भले ही इसके खिलाफ बाधाएं हों, फिर भी अपने प्रतिद्वंद्वी को पीछे हटने से डरा सकते हैं। शास्त्रीय निर्णय सिद्धांत में यह सही है, अपने आप को तोड़फोड़ करने में कोई मूल्य नहीं है। मूल्य अन्य खिलाड़ियों को समझाने में निहित है कि अपने खुद को तबाह कर लिया है। अक्सर दूसरे को यह विश्वास दिलाने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम किसी चीज पर विश्वास करते हैं, वास्तव में उस पर विश्वास करना है। मैं इसे मैडमैन थ्योरी कहता हूं। बॉब, मैं चाहता हूं कि उत्तर वियतनामी यह विश्वास करे कि उस बिंदु पर पहुंच गया है जहां मैं युद्ध को रोकने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। हम उन्हें सिर्फ यह शब्द सुनाएंगे कि भगवान के लिए आप जानते हैं कि निक्सन साम्यवाद के बारे में जुनूनी है। जब वह क्रोधित होता है तो हम उसे रोक नहीं सकते और परमाणु बटन पर उसका हाथ होता है, और हो ची मिन्न खुद शांति की भीख मांगते हुए 2 दिनों में पेरिस में होंगे। चीयर लीडर, मुझे पता है कि यह सच है, चलो मेरे साथ विश्वास करो। सामाजिक छापों के प्रबंधन में शामिल सिस्टम जैसे चेतना से छिपे उन सटीक विश्वासों को रखते हुए संभावित क्रियाओं का मूल्यांकन करने के साथ काम करने वाले सिस्टम में विश्वासों का एक अपेक्षाकृत सटीक सेट बनाए रखना हमारे दिमाग के लिए संभव है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति स्वर्ग में कितना विश्वास करता है, उदाहरण के लिए वह अभी भी मृत्यु से डरने वाला है। छठा, नकली कारण। एक आदमी के पास हमेशा कुछ भी करने के 2 कारण होते हैं, एक अच्छा कारण और वास्तविक कारण। हम जानते हैं कि रोगी अपनी कुर्सी से क्यों उठ गया, क्योंकि शोधकर्ताओं ने
उसे अपने दाहिने गोलार्ध के माध्यम से ऐसा करने के लिए कहा, हालांकि रोगी के बाएं गोलार्ध में कोई यह जानने की कोई तरीका नहीं था, लेकिन यह कहने के बजाय मुझे नहीं पता कि मैं क्यों खड़ा हुआ, जो कि एकमात्र ईमानदार उत्तर होता, इसने एक कारण बनाया और इसे सच्चाई के रूप में झुठलाया। मैं एक कोक लेना जाना चाहता था। जब हम प्रेरणा शब्द का उपयोग करते हैं तो हम अपने व्यवहार के अंतर्निहित कारणों की बात कर रहे होते हैं, चाहे हम उनके प्रति सचेत हों या नहीं। कारण मौखिक स्पष्टीकरण है जो हम अपने व्यवहार के लिए देते हैं। कारण सही गलत या कहीं बीच में हो सकते हैं। तर्क संगतता के बीच भी नाटकीय उदाहरण अक्षमता इनकार से पीड़ित मरीजों से प्राप्त किए जा सकते हैं। एक दुर्लभ विचार जो कभी कभी दाएं गोलार्ध के स्ट्रोक से उत्पन्न होता है। एक विशिष्ट मामले में स्ट्रोक का रोगी के बाएं हाथ का लकवा ग्रस्त कर देगा, लेकिन यह अजीब हिस्सा है। रोगी पूरी तरह से इनकार करेगा कि उसके हाथ में कुछ भी गलत है और सभी प्रकार के अजीब बहाने का निर्माण करेगा कि यह सिर्फ क्यों है, वहां बैठे लंगड़ा और बेजान। जब हम प्रेस सचिव को बड़े अक्षरों में लिखते हैं तो हम उस मस्तिष्क मॉड्यूल की बात कर रहे होते हैं जो हमारे कार्यों की व्याख्या करने के लिए जिम्मेदार होता है, विशेष रूप से तृतीय पक्षों को। लेकिन सामाजिक मनोविज्ञान के पिछले 40 वर्षों से निष्कर्ष यह है कि स्वयं एक निरंकुश की तरह कम और एक प्रेस सचिव की तरह अधिक कार्य करता है। कई मायनों में इसका काम हमारा काम निर्णय लेना नहीं है, बल्कि केवल उनका बचाव करना है। स्टीवन कास कहते हैं, आप अपने दिमाग के राजा नहीं हैं, आप जा रहे हैं राजा के बगल में खड़े खौफनाक आदमी हैं। एक सबसे विवेकपूर्ण विवल्क। नतीजा यह है कि हर बार जब हम कोई कारण देते हैं तो एक जोखिम होता है कि हम केवल बातें बना रहे होते हैं। प्रत्येक क्योंकि खंड क्यों प्रश्न एक मकसद का हर अचेत्य या स्पष्टीकरण, इनमें से हर एक संदिग्ध है। सभी तर्क संगत नहीं होंगे, लेकिन उनमें से कोई भी हो सकता है और बहुत सारे हैं। ये दो उदाहरण युक्ति संगत बनाने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक को दर्शाते हैं, जो आधा सच कह रहा है। दूसरे शब्दों में, हम बदसूरत लोगों को छुपाते हुए अपने सबसे स्वीकार्य अभियोग्यात्मक कारणों को चुनते हैं। रॉबिन वास्तव में अपने विचारों को वहां पहुंचाना चाहता है और केविन वास्तव में एक निजी व्यक्ति है, लेकिन ये दो स्पष्टीकरण पूरी कहानी नहीं है। माता पिता अक्सर बच्चों के सोने के समय को अपने स्वयं के अच्छे के लिए लागू करते हैं। जब एक स्वसेवा करने का मकसद संभावना के रूप में लगता है कि माता पिता बच्चों के बिना
केवल एक या दो घंटे की शांति और शांति ही चाहते हैं। अवांछित सामाजिक मुठभेड़ों से बचने के लिए अक्सर मामूली बाधाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। उदाहरण के लिए, मैं आज अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, काम पर नहीं जाने के बहाने के रूप में, या मैं बहुत व्यस्त हूँ एक बैठक को अस्वीकार करने के लिए है। हमारे व्यवहार के लिए हमारे पास कई कारण हैं, लेकिन हम आदतन अपने सुंदर अभियोग्यात्मक उद्देश्यों पर जोर देते हैं और बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं और अपने बदसूरत स्वार्थी लोगों को नीचा दिखाते हैं। भाग दो, रोजमर्रा की जिंदगी में छिपे मकसद। सातवां, शारीरिक भाषा। मनुष्य शरीर की भाषा के प्रति रणनीतिक रूप से अंधे हैं, क्योंकि यह अक्सर हमारे बदसूरत स्वार्थी प्रतिस्पर्धी उद्देश्यों को धोखा देता है। एक संकेत के समान है, जिसमें यह सूचना देता है, सिवाय इसके कि यह केवल रिसीवर को लाभ पहुंचा रहा है। दूसरे शब्दों में, एक क्यू सूचना को संप्रेषित करता है, जिसे प्रेषक छुपाना चाहता है। कभी कभी हम मानव में संकेतों का उल्लेख करते हैं। हम अपने शरीर की भाषा के बहुत से ईमानदार संकेतों को ढूंढते हैं। एक खुली मुद्रा एक व्यक्ति को कमजोर बना देती है। उदाहरण के लिए, जो शांत स्थितियों में लोगों की तुलना में तनावपूर्ण स्थितियों में लोगों के लिए अधिक खतरनाक है। प्रेमालाप का अधिक रोमांच और नाटक दूसरों के मिश्रित संकेतों को समझने के लिए संघर्ष करने में निहित है। उदाहरण के लिए, कभी कभी सहज रूप से शर्मनाक खेल अपनी रुचि को छुपाने या कम करने का प्रयास करते हैं, जिससे पुरुषों को प्रेमालाप में अधिक प्रयास करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, एक युगल डेट पर बाहर जाता है, अक्सर टाई साइन का उपयोग करेगा। हाथ पकड़ना, कंधे पर हाथ रखना और आगे अपने साथी के साथ अपने रोमांटिक संबंध का संकेत देने के लिए। ये संकेत न केवल एक दूसरे के लिए हैं, बल्कि तीसरे पक्ष यानी संभावित प्रतिद्वंदियों के लिए भी हैं। महिलाओं का अलग अलग पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली टी शर्ट को सूंघने के लिए कहा गया। वे उन पुरुषों की ओर अधिक आकर्षक हुई जिनके पास एक प्रतिरक्षा प्रणाली थी, जिसमें उनके संभावित बच्चों को लाभ होगा। इस बीच समलैंगिक पुरुषों ने सीधे पुरुषों के पसीने की तुलना में अन्य समलैंगिक पुरुषों के पसीने को तरजीह दी। जब हम दूसरों के आसपास सहज महसूस करते हैं, तो हम उन्हें छूते हैं और खुद को छूने देते हैं। हालांकि जब हमें शत्रुता का आभास होता है, तो हम व्यक्तिगत स्थान के इन उल्लंघनों के बारे में अधिक चिड़चिड़े हो जाते हैं। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के पूछताछकर्ता और बॉडी लैंग्वेज विशेषज्ञ, जो नवारो कहते हैं, यह हमेशा मेरी धारणा रही है, राष्ट्रपति अक्सर पोलो शर्ट में कैंप
डेविड जाते हैं, जो वे बिजनेस सूट 40 में पूरा नहीं कर सकते। व्हाइट हाउस में मीलों दूर वे अपने आप को उघाड़ कर कह रहे हैं, मैं तुम्हारे लिए खुला हूँ। यदि आप बोलते और सुनते समय सम्मान समय के लिए आंख से संपर्क बनाते हैं, तो आपका दृश्य प्रभुत्व अनुपात होगा, जो उच्च प्रभुत्व का संकेत है। यदि आप बोलते समय कम आंख से संपर्क बनाते हैं, हालांकि आपका अनुपात से कम होगा। आठवां, हंसी। सबसे महत्वपूर्ण अवलोकन यह है कि प्रोवाइन के अनुमान के अनुसार हम अकेले होने की तुलना में कहीं अधिक बार सामाजिक सेटिंग में हंसते हैं, 30 गुना अधिक बार। हंसी के बारे में दूसरा महत्वपूर्ण अवलोकन यह है कि यह एक स्वर है, एक ध्वनि है, और जानवरों के साम्राज्य में ध्वनियाँ सक्रिय संचार के उद्देश्य को पूरा करती है। जब प्रोवीन ने सार्वजनिक सेटिंग्स में हंसी के 1200 एपिसोड का अध्ययन किया, तो उनका सबसे बड़ा आश्चर्य यह पाया गया कि वक्ता श्रोताओं की तुलना में अधिक हंसते हैं। वास्तव में लगभग 50% अधिक। यदि हम हंसी को एक निष्क्रिय प्रतिवृत्त के रूप में सोचते हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट हो जाता है जब हम याद करते हैं कि हंसी सक्रिय संचार का एक रूप है। अंतिम महत्वपूर्ण अवलोकन यह है कि हंसी अन्य प्रजातियों में भी होती है, विशेष रूप से यह महान वानरों के सभी पांचों में पाया जाता है, गोरिल्ला, चिंपैंजी, ऑरेंगुटनस, गोरिल्ला और मनुष्य बोनोबास। हालांकि किसी अन्य प्राइमेट में नहीं, 12 से 18 मिलियन वर्ष पहले हमारे सामान्य पूर्वज में एक उत्पत्ति का सुझाव देते हैं। यह मुख्य विचार यह है कि हंसी आवश्यक रूप से खेल के साथ जुड़ी हुई है। अगर मूड गंभीर है, तो एक भयानक चेहरे से चीख निकलेगी, लेकिन अगर मूड चंचल है, तो वही उत्तेजना हंसी का कारण बनेगी। हम सिर्फ खेल रहे हैं, इतना महत्वपूर्ण संदेश है। यह पता चला है कि कई प्रजातियों ने इसके लिए अपनी शब्दावली विकसित की है। उदाहरण के लिए, कुत्तों के पास एक प्ले बो होता है, बाहों को बढ़ाया चढ़ाया जाता है, सिर को नीचे किया जाता है, हवा में हिंडकार्टर होता है, जिसका उपयोग वे खेल की शुरुआत करने के लिए करते हैं। जब हम अपने कार्यों पर हंसते हैं, तो यह हमारे साथियों के लिए एक संकेत है कि हमारे इरादे अंततः चंचल हैं। हालांकि हम आक्रामक लग सकते हैं, यह उस तरह की हंसी है जो एक छोटा बच्चा किसी वयस्क या अन्य बच्चे को मारने के बाद दे सकता है, या वयस्क तब देते हैं जब वे धीरे धीरे किसी का मजाक उड़ाते हैं। हम पूरे खेल सत्र के दौरान लगातार नहीं हंसते हैं, केवल तभी जब प्रतिक्रिया करने के लिए कुछ अप्रिय हो। यह समझाने में मदद करता है कि हंसने के लिए खतरे का तत्व इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अब खतरे की शक्ति से आवश्यकता नहीं है,
उदाहरण के लिए हम कभी कभी हानि रहित वर्ड प्ले पर हंसते हैं, लेकिन खतरा जरूर मदद करता है। जब किसी को चोट लगती है तो मानवीय प्रतिक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे ठीक है, एक चंचल मनोदशा से एक गंभीर मनोदशा में टूटना है। लोकप्रिय लड़कियों की हंसी से पता चलता है कि वे मैगी की पीड़ा को गंभीरता से नहीं लेती हैं, वे उसके दर्द को एक खेल की वस्तु के रूप में मान रहे हैं, एकमात्र खेल की वस्तु। जब भी किसी कॉमेडियन को माफी मांगता देखता हूं तो मुझे चिंता होती है, एक काल्पनिक हमलावार को संबोधित करते हुए सिर्फ इसलिए कि आपने जो कहा उसे गंभीरता से लिया, इसका मतलब यह नहीं है कि मेरा मतलब था। यह तय नहीं कर सकते कि आप मेरे सिर में हैं और आप मेरा इरादा जानते हैं। अगर मैं मजाक कर रहा हूं तो मैं मजाक ही कर रहा हूं। जैसा कि ऑस्कर वाइल्ड ने कहा, यदि आप लोगों को सच बताना चाहते हैं तो उन्हें हंसाएं, नहीं तो वे तुम्हें मार डालेंगे। 9वां, बातचीत। यदि वक्ता हर बातचीत में थोड़ी सूचनात्मक उपहार दे रहे हैं तो बदले में उन्हें क्या मिल रहा है? यदि सूचनाओं का आदान प्रदान ही बातचीत का एकमात्र और अंत है तो हम उम्मीद करेंगे कि लोग लालची श्रोता और कंजूस वक्ता होंगे। वक्ता लगातार प्रभावशाली टिप्पणियां देकर अपने दर्शकों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। यह बताता है कि बोलने की लागत के लिए वक्ताओं ने बिल को कैसी पैरवी की है। उन्हें पारस्परिक रूप में जानकारी प्राप्त करके मुआवजा नहीं दिया जाता है, बल्कि उनके श्रोताओं की आंखों में उनके सामाजिक मूल्य को बढ़ाकर। मिलर का सिद्धांत है, वक्ता मुख्य रूप से संभावित साथियों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि डैसलेस के लिए प्राथमिक दर्शक संभावित सहयोगी है। यदि आप नई जानकारी के लिए विश्वसनीय स्रोत हैं तो आप एक अच्छा टीममेट बनने की संभावना रखते हैं, खासकर जब टीम भविष्य में अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करती है। 10वां, खपत। तो हम इतनी मेहनत क्यों जारी रखते हैं? बड़े उत्तरों में से एक, जैसा कि ज्यादातर लोग महसूस करते हैं, यह है कि हम चूहा दौड़ में फंस गए हैं, या इसे उन शब्दों में रखने के लिए जिन्हें हम पूरी किताब में इस्तेमाल कर रहे हैं, हम प्रतिस्पर्धी सिंगरलिंग के खेल में बंद हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से बढ़ती है, सेक्स और सामाजिक स्थिति की सीमित आपूर्ति रहती है और पैसा कमाना और खर्च करना अभी भी इसके लिए प्रतिस्पर्धा करने का एक अच्छा तरीका है। जब विषयों को एक स्थिति के उद्देश्य से प्राथमिकता दी जाती है तो वे सार्वजनिक रूप से खरीदारी करते समय हरे उत्पादों के लिए एक मजबूत वरीयता दिखाते हैं, और ऑनलाइन खरीदारी करते समय हरे रंग के उत्पादों के लिए एक कमजोर वरीयता दिखाते हैं। स्पष्ट रूप से उनका मकसद सिर्फ पर्यावरण की मदद करना नहीं है,
बल्कि मददगार के रूप में भी देखा जाना है। एक ही बार में दो चीजें क्यों बदलें, इंजन और बॉडी दोनों? एक संभावित कारण यह है कि एक विशिष्ट बॉडी कार को अधिक विशिष्ट बनाती है, चाहे बाहर सड़क पर हो या ड्राइववे में पार्क किया गया हो। अगर प्रियस बिल्कुल कैमरी जैसी दिखती तो कम ही लोग इस पर ध्यान देते। आज वर्दी पहनने का कलंक है, आंशिक रूप से क्योंकि यह हमारे व्यक्तित्व को दबा देता है, लेकिन व्यक्तित्व की अवधारणा सिर्फ दूसरे नाम से संकेत दे रही है। जिस तरह इवान पावलोव ने अपने कुत्ते को भोजन के वादे के साथ एक मनमानी उत्तेजना, एक बजती हुई घंटी को जोड़ने के लिए प्रशिक्षित किया, उसी तरह जीवन शैली के विज्ञापन उपभोक्ताओं को एक ब्रांड या उत्पाद को सकारात्मक भावनाओं से जोड़ने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। जैसे कोरोना के मामले में छूट या बीहड़ मर्दाना भावना, मार्लबोलो का मामला, यदि आपको लगता है कि विज्ञापन कोरोना के बारे में अन्य लोगों की धारणा को बदल देगा तो आपके लिए इसे खरीदना समझ में आ सकता है। भले ही आपको पता हो कि बियर सिर्फ एक बियर है, जीवन शैली नहीं। अंगूठे का एक अच्छा नियम यह है कि किसी विशेष उत्पाद के आधार पर किसी को आंकना जितना आसान होगा, उतना ही अधिक सांस्कृतिक छवियों और जीवन शैली शंघों का उपयोग करके इसका विज्ञापन किया जाएगा। 11. कला। मिलर का तर्क है कि जबकि परिस्थापातिक चयन जीवित रहने का दबाव अस्पष्ट को घृणा करता है, यौन चयन अक्सर इसका समर्थन करता है। कुंज निर्माण कठिन है, लेकिन ठीक यही बात है। यदि यह आसान होता तो हर पुरुष इसे कर सकता था। फिट पुरुष केवल उन कामों को करके अपनी फिटनेस का प्रदर्शन करते हैं जो अनफिट पुरुष नहीं कर सकते, क्योंकि प्रतिकृतियों मूल की तुलना में सस्ती है। हम अधिक व्यापक व्यय दिखने के लिए कम भुगतान करेंगे। धार्मिकता और पेरिस, लंदन, वेनिस और न्यूयॉर्क में दुनिया भर में बिखरे होने के बजाय हमारे गृहनगर की सुविधा में कला के रूप में इसका मूल्य पूरी तरह से कलाकार की तकनीक पर निर्भर करता है। अगर वह इसे समुद्र तट पर पाती है, हो अगर उसने एक 3D प्रिंटर का इस्तेमाल किया और अगर उसने इसे संगमरमर से मैनुअल रूप से छैनी करके बनाया है, हम इसे आकर्षक पाते हैं। मिलर कहते हैं, वे चीजें जो केवल आकर्षक उच्च फिटनेस गुणों जैसे स्वास्थ्य, ऊर्जा, सहन शक्ति, हाथ और आंख समन्वय, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, ठीक मोटर नियंत्रण, बुद्धि, रचनात्मकता, पहुंच जैसे लोगों द्वारा उत्पादित की जा सकती है। दुर्लभ सामग्री, कठिन कौशल सीखने की क्षमता और ढेर सारा खाली समय। समय और प्रयास को गैर कार्यात्मक से अस्वीकृत करके एक कलाकार प्रभावी रूप से कहता है, मुझे अपने अस्तित्व पर इतना भरोसा है कि मैं समय
और ऊर्जा बर्बाद कर सकता हूं। 12वां दान। एक गणना के अनुसार अमेरिका में कॉलेज के माध्यम से एक बच्चे को भेजने की लागत के बदले अब 50 से अधिक बच्चों जो उप सहारा अफ्रीका में रहते हैं के जीवन को बचा सकते हैं। हाँ, हम में से बहुत से लोग अत्यधिक जरूरतमंद लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम व्यक्तिगत भोगों पर भी बहुत अधिक खर्च करते हैं। वास्तविक दुनिया की परोपकारिता के बारे में आश्चर्यजनक बात यह है कि यह प्रभावी परोपकारिता से कितनी तेजी से विचलित होती है। अमेरिकी दान के मुख्य प्राप्तकर्ता धार्मिक समूह और शैक्षणिक संस्थान हैं। स्कोप उपेक्षा या स्कोप असंवेदनशीलता के रूप में जाना जाने वाला प्रभाव प्रदूषित झीलों की सफाई, जंगल क्षेत्रों की रक्षा, सड़क की चोटों को काम करने और यहां तक कि मौतों को रोकने सहित कई अन्य समस्याओं के लिए प्रदर्शित किया गया है। लोग मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वे जिस राशि की मदद करने को तैयार हैं, वह उनके योगदान पर पड़ने वाले प्रभाव के अनुपात में नहीं है। अंगेस्ट मलेरिया फाउंडेशन को $3,500 देने से एक पूरे मानव जीवन को बचाया जा सकेगा, जबकि 100 अलग अलग दान में विभाजित समान राशि पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है। उन सभी अलग अलग दान को इकट्ठा करने और संसाधित करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक ओवरहेड का मुश्किल से कवर किया जा सकता है। जब हम देखे जा रहे होते हैं तो हम इसे अधिक देते हैं या दान करते हैं। लोग शायद ही कभी अपने दम पर दान करना शुरू करते हैं। याचना के जवाब में सभी दान का 95% तक किया जाता है। कई अध्ययनों में पाया गया है कि जब वकील विपरीत लिंग का एक आकर्षक सदस्य होता है तो लोग विशेष रूप से पुरुष पैसे देने की अधिक संभावना होती है। धर्मार्थ व्यवहार हमारे श्रोताओं से कहता है, मेरे पास जीवित रहने के लिए आवश्यकता से अधिक संसाधन है, मैं उन्हें बिना किसी चिंता के दे सकता हूँ। इसी प्रकार मैं एक हार्दिक उत्पादक मानव नमूना हूँ। किसी तरह के लोगों के बेहतर दोस्त, सहकर्मी और जीवन साथी बनने की संभावना है। कैलकुलेटर जो एक स्प्रेडशीट के साथ अपनी उदारता का प्रबंधन करते हैं, या भावुक जो अपने सामने लोगों की मदद करने के लिए स्थानांतरित होने में मदद नहीं कर सकते हैं, यह महसूस करते हुए कि कैलकुलेटर के बजाय इमोटर्स के आम तौर पर सहयोगी के रूप में पसंद किया जाता है। हमारे दिमाग यह विज्ञापन करने के लिए इच्छुक हैं कि हम इमोटर्स हैं। वैश्विक स्तर पर मानव कल्याण में सुधार के लिए सहज उतारता सबसे प्रभावी तरीका हो सकता है। साथियों को खोजने और सहयोगियों को एक मजबूत नेटवर्क बनाने में यह विकृत निष्कर्ष है जिसे हम स्वीकार करना चाहिए। दान के रूप
जो दूसरों की मदद करने में सबसे प्रभावी होते हैं, दानदाताओं को उनके अच्छे लक्षणों का संकेत देने में सबसे प्रभावी नहीं होते हैं। हालांकि दाता अक्सर अपनी मदद स्वयं करना चुनते हैं। 13. धर्म। हम नरक से डरते हैं, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, फिर समझाने के लिए जो कुछ बचा है वह विश्वास कहाँ से आता है। चलो इसे धार्मिक व्यवहार का, विश्वास का पहला मॉडल कहें। और फिर भी, जैसा कि हमने पूरी किताब में देखा है, विश्वास हमेशा ड्राइवर की सीट पर नहीं होते हैं। इसके बजाय वे अक्सर अंतर्निहित प्रोत्साहन के लक्षणों के रूप में बेहतर रूप से तैयार किए जाते हैं, जो अक्सर मनोवैज्ञानिक के बजाय सामाजिक होते हैं। यह मस्तिष्क का धार्मिक हाथी है। हम केवल इसलिए पूजा नहीं करते क्योंकि हम विश्वास करते हैं। इसके बजाय हम पूजा करते हैं क्योंकि यह हमें सामाजिक प्राणी के रूप में मदद करता है। जब तक अनुयायी धर्म के सार्वजनिक स्वीकृत प्रदर्शित करते हैं, तब तक अधिकांश आधारित धर्म नियम के बजाय अपवाद करते हैं। ग्रीक और रोमन ज्यूस माउंट ओल्पंस पर देवताओं पर शासन करते हैं, जैसे सैद्धांतिक प्रस्तावों से कम चिंतित थे, और सार्वजनिक छुट्टियों पर जश्न मनाने के लिए बाहर आने जैसे अनुष्ठानों के पालन से अधिक चिंतित थे। जब मुसलमान प्रार्थना करने के लिए मक्का के सामने जाते हैं तो हम इसे धर्म कहते हैं, लेकिन जब अमेरिकी स्कूली बच्चे झंडे का सामना करते हैं और निष्ठा की प्रतिज्ञा का जाप करते हैं तो यह सिर्फ देशभक्ति है। और जब वे गाते हैं, टी शर्ट बनाते हैं और घर वापसी के लिए परेड करते हैं, वह स्कूल स्पिरिट है। एक धर्म इसलिए केवल भगवान और उसके बाद के जीवन के बारे में प्रस्तावित मान्यताओं का एक समूह नहीं है, यह एक संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था है। महत्वपूर्ण रूप से बलिदान के अनुष्ठान ईमानदार संकेत हैं, जिनकी कीमत उन्हें नकली बनाना कठिन बनाती है। यह कहना आसान है, मैं एक मुसलमान हूँ, लेकिन पूरा श्रेय पाने के लिए आपका भी एक मुसलमान की तरह काम करना होगा। उदाहरण के लिए, प्रार्थना के लिए दैनिक कॉल का जवाब देना या हज करना। कम शब्दों में अधिक जोर से बोलते हैं और महंगे कर्म से सबसे जोर से बोलते हैं। यदि आप जन्म नियंत्रण का उपयोग कर रहे हैं तो आपके विवाह में देरी होने, एक उन्नत डिग्री प्राप्त करने और एक गतिशील आर्थिक रूप से पुरस्कृत करियर का पीछा करने को भी अधिक संभावना है। यह आपके अधिक पारंपरिक परिवार उन्मुख पड़ोसियों पर कठिन बना देता है। आपकी जीवन शैली उनके के साथ हस्तक्षेप करती है, और इस तरह के तनावों से बचने के कारण हम पहले स्थान पर समुदायों में स्वयं को अलग करते हैं। इसके बजाय वास्तविक लाभ पूरी कलीसिया के साथ मिलकर सुनने से मिलता है। न केवल आप इसे सीख रहे हैं कि करुणा एक अच्छा ईसाई गुण है, बल्कि हर कोई इसे सीख रहा है। और आप जानते हैं
कि वे इसे सीख रहे हैं और वे जानते हैं कि आप इसे सीख रहे हैं इत्यादि। अंत में जैसा कि हमने अध्याय 5 में देखा, दूसरों को अपने विश्वास के बारे में समझाने का एक सबसे अच्छा तरीका वास्तव में विश्वास करना है। इन सभी मामलों में एक संदर्भ में अनुकूल प्रवृत्ति हमें दूसरों में भाग्य से भटका सकती है, लेकिन हमें तुरंत इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि वृत्तियां आवश्यक रूप से कुअनुकूलित होती हैं, या यह कि जो लोग उन सभी पर कार्य कर रहे हैं वे निराशाजनक रूप से मूर्ख या भ्रमित हैं, वे सिर्फ अपनी ऊंचाई का पीछा कर रहे हैं हम में से बाकी लोगों की तरह ही। धन्यवाद।